अब रही बात यह है कि कोई पसंद अगर आ जाए, कोई, अरे बोलो भाई, कोई पसंद आ जाए, निकाह कर लो, की कर लो, अरे बोलो भाई, दूसरी पसंद है, निकाह कर लो, दीटा पसंद छे, निकाह करे ले, तीसरी पसंद छे, वहारो साथ निकाह कर, चार पसंद छे, वहारो साथ निकाह कर, वहार बाद भी तो पसंद नहीं खत्म है छे, तो यहां से पता चलो तो खुजली बीमारी छे, तो पसंद नहीं छे। माता बलकुम मिनन निसाई मसना वो सोलासा वोरोबा, अल्लाह कहता है एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है ले कर लो, लेकिन कैसे कर लो? अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको चारों बीवी के साथ में तब करो, अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफी है, तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, एक ही बीवी काफी है। और सुनो, वो एक बीवी को भी अगर कमा के नहीं खिला सकते हो, हलाल रोजी नहीं खिला सकते हो, हाथ में ताकत नहीं है, बदन में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, वो बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं खिला सकते हो, तो वो एक भी ना करो, फिर की करो, वो एक भी मत करो, फिर की करो। एक तो तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। एक सहाबिया रसूल थे, नौजवान था, मंडी जाता, मजदूरी नहीं मिलती, लौट कर चले आता, रोटा बाजार जाता, मिसाल के तौर पर, मजदूरी नहीं मिलती, चले आता, तो दो चार पांच दिन हो गया, तो उसकी बीवी बोली कि ती काम नहीं करवो तो घर को ऐसे करना चलवे। ये नौजवान कहने लगा कि मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं, मजदूरी मिलती नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोली कि ती कमाबो नहीं तो हमारा खाम की, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी सब्र करो, अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा, ऐसा करो मेरी बीवी, एक लोटा पानी ले आओ। क्या ले आओ भाई, अरे बोलो भाई, क्या ले आओ? बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए, क्या बनाए? हाँ, वजू, वजू। जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था, तो उसका एक साथी आया, बोला मियाँ की करोई थी? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रोत रहे, जुमा छुड़े जा, तो चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर लिया कि भैया ती ठीक है बोल लो, अगर वजू बनानू तो एक रकात नमाज नहीं मिल लेते मुख, नमाज हुई, अरे बोलो भाई, नमाज हुई। ये साहबी रसूल वजू बनाए, और वजू बनाने के बाद दो रकात नमाज पढ़े। आप देखिए, एक तजर्बा है इंशाल्लाह, कोई मुसीबत अगर आपके ऊपर में हो, कोई मुसीबत हो, कोई काम नहीं हो रहा आपका, कोई काम नहीं हो रहा, रुकावट हो रहा, काम हो नहीं रहा, होते होते रुक जा रहा, परेशान है आप, अल्हम्दुलिल्लाह दो रकात नमाज पढ़िए, दो रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह देखो वो काम कैसे पूरा होता है, वो काम कैसे हल होता है, इंशाल्लाह आप करके तो देखो। दो रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ कर लो अपने काम मसले को, मुसीबत को दूर करने के लिए, इंशाल्लाह देखिए वो काम कैसे हल होता है। तो मैं कह रहा था, ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद दो रकात नमाज पढ़े, दो रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, जात देख तो जाता चलो, क्या गेहूं जो पिसते क्या बोलते हैं उसको भाई, अरे बोलो भाई, चक्की, जाता जाता, जेता बोलो हो, आग गेहूं पिसवार जाता। बीवी को बोला कि जाते जाता चलो, तो बीवी भाग कर गई, तो देखती है कि नहीं चलो, तो बीवी लौट कर आई, बोले कि नहीं चलो। ये सहाबी रसूल कहते हैं, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। फिर एक लोटा पानी लिया, फिर बीवी गई, एक लोटा पानी लाई, फिर ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद दो रकात नमाज पढ़े, दो रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, दुआ से फारिग हुए, अपनी बीवी से कहते, जाते देखते जाता चलो। बीवी गई तो देखती है कि जाता चल रहा है, मशीन चल रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं,
ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, सबला बर्तन भरे गए, जेटा बर्तनों पानी छील पानी उंडे दे वहारो भर, सारा बर्तन भर गया। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं, शोहर का आवाज दिया कि मुन्नार बा जल्दी ओस। मुन्ना का बाप आया, बोले की बेल, बोले देख नहीं तेला आटा अल्लाह और मोर घोरो रखवार जहो नहीं जलाई जाता और पाट उठे देखा तो आटा कोयान से निकलो। औरत की जात, शोहर औरत की बात में आ गया, जाता का पाट को उठाया तो उठाया ना आटा का गिरना बंद हो गया। तो ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नौजवान सहाबी सुनाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा वाकया हुआ। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो मुसलमानों, सुनो मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस नौजवान से, ए नौजवान अगर तू जाता के पाट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। नमाज देना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज कुछ मांगती नहीं है, तो इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा वक्त आएगा कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी, सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा। ऐ नौजवानों अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह इज्जत की ज़िंदगी यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इंशाल्लाह नमाजों की तैयारी करेंगे मेरे भाई, भाई इंशाल्लाह करेंगे भाई। नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। जैस मोहम्मद अली, अब अजा देखिएगा, एक फैशन, फैशन के नाम से अररिया के अंदर में एक दुकान है, कपड़े की दुकान है। और ये जो भाई हैं, चार भाई या पांच भाई हैं, मुझे जहन में बात नहीं है, शब्बीर, अब्दुल रशीद और क्या क्या नाम है, क्या कुर्बान जाइए, बड़ा होलसेलर है, मुसलमान है अररिया के अंदर में। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मेरे भाई, इन लड़कों के तकवे को मैं आपको क्या बयान करूँ, इन लड़कों की परहेजगारी को मैं क्या बयान करूँ। जब अजान होती है तो सारे भाई मस्जिद के तरफ दौड़ने लगते हैं, दुकान में हजारों लोग सवो लोग बैठे हैं कपड़ा लेने के लिए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ लेगा उस वक्त तक किसी को कपड़ा नहीं देगा। आज हम बिजनेस पकड़ कर बैठे रहते हैं, अजानें हो जाती हैं, कुर्बान जाओ, नमाज का परवाह नहीं है, तुम नमाज पढ़कर तो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राहक हिल नहीं सकता है, ग्राहक कहीं जा नहीं सकता है, अजान हुई है तनवीर नमाज पढ़ने की, आप बैठो, जब तक तनवीर नमाज पढ़कर नहीं आ जाएगा अल्लाह ग्राहक को हिलने नहीं देगा। अल्लाह तौफीक देगा कि तू बैठ यहीं पर, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, वो आएगा फिर तू यहां से जाएगा। रोजी का मालिक कौन है? अरे बोलो भाई कौन है? अल्लाह है। सोचो तो सही, दुनिया में कोई आदमी भूखा मरता है? बोलो भाई भूखा मरता है? दुनिया में कोई भूखा मरता है? खा के मरने की तारीख है, भूखा मरने की तारीख नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, खाते खाते इंतकाल किए, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, कई किताबें हैं। और कुर्बान जाए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की, हदीस का मुताला कर रहे थे, भूख लगी, हदीस का मुताला कर रहे थे, भूख लगी, खजूर की बोरी रखी हुई थी यहाँ पर, आप खजूर उठाते थे खाते जाते, खजूर उठाते खाते जाते, हदीस का मुताला करते रहते, वो खजूर इतना खा लिए उसे पता नहीं चला, पेट फूला, इंतकाल कर गए। खा कर मरने की तारीख है, भूखा आदमी मरता नहीं है। तो कुर्बान जाइए, ये दुनिया तो असबाब की जगह है, लेकिन याद रखिए अल्लाह अकबर कबीरा, माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, वहां कौन खिलाता है? अरे बोलो भाई वहां कौन खिलाता है? वहां रोटी जाती है? अरे रोटी बच्चा खाता है? भात खाता है? नहीं खाता है। बच्चा तो माँ के पेट में है,
ये गुब्बारा है, माँ के पेट में गुब्बारा है, क्या अल्लाह का निजाम है? माँ के पेट में ये गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर में बच्चा है, सिर्फ नरा का कनेक्शन माँ के शिकम से है, लेकिन कुर्बान जाओ खाती माँ है, पहुंचता बच्चा को है, रोटी माँ खाती है, बच्चा को क्या कहते खून बनता है, भात माँ खाती है, इसका कनेक्शन बच्चे से है, तो कुर्बान जाओ। यहाँ दुनिया तो असबाब की जगह है, माँ के पेट में असबाब नहीं है, अल्लाह वहां जिंदा रखा है, दुनिया में जिंदा रखेगा अल्लाह की नहीं रखेगा? इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज देना चाहती है। इसलिए मुसलमानों नमाज की पाबंदी करो। और एक बात बताता चलूं, खेत में हैं आप, काश्तकार हैं, किसान हैं, खेत में काम कर रहे हैं, अजान की आवाज़ आई या नहीं आई, टाइम हो गई है, दी बजे गई है, जोहर टाइम है गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद नहीं जवा पाऊँ, कोनो टेंशन नहीं छे, पानी छे वजू बने ले, पानी नहीं छे मिट्टी छे तयम्मुम करे ले, सुभान अल्लाह बोला दे माशाल्लाह, पानी है वजू बना लीजिए, पानी नीचे अल्हम्दुलिल्लाह, मिट्टी छे मिट्टी छे मिट्टी थे तयम्मुम कर लो और वहीं पर नमाज पढ़ लो और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज पढ़कर को देखो, नमाज पढ़कर तो देखो। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब कोई किसान जब कोई काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाता है, बारी में चला जाता है, जिस पौधे को हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। सोचे तो सही, किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में गया है, जिस पौधे को हाथ लगा दीजिएगा, चाहे मकई का पौधा हो, चाहे धान का पौधा हो, चाहे गेहूं का पौधा हो, चाहे पटवा का पौधा हो, जिस पौधे में हाथ लगा दोगे अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। इसलिए नौजवानों मुसलमानों नमाज पढ़ो। आ इंशाल्लाह रोटा के अंदर में दुकान है, तिजारत करते हैं आप, अजान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जमात का टाइम रखिए आप, अभी तो घड़ी मोबाइल में घड़ी है, जमात का टाइम देखिए कि 4:15 में जमात खड़ी होती है, 2 मिनट पहले अपने दुकान से उठिए चले जाइए, नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह वो ग्राहक जो आपके दुकान में आया है वो हिल नहीं सकता है, इसलिए कि मेरा अल्लाह उसे हिलने नहीं देगा जब तक तेरे दुकान में वो सौदा नहीं ले लेगा। आप इरादा करके तो देखो इंशाल्लाह, अगर मेरी बात गलत निकले मेरी जबान काट देना, ये तजर्बा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो, अल्लाह पे यकीन करना सीखो, रोजी देने का मालिक अल्लाह है, रिस्क देने का मालिक अल्लाह है, तिजारत को चलाने का मालिक अल्लाह है, बिजनेस को चलाने का मालिक अल्लाह है। कुर्बान जाओ किसी 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 नौजवान, ओह बताया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे रास्ते में, एक बद्दू देहात का आदमी था, काश्तकार था, तो देखा कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, तो खेत से ना वो पोसनी हो जाए ना, अरे बोलो ना क्या बोलते हैं, खेत जो कमाते हैं क्या बोलते हैं, पसनी, अच्छा अच्छा हाँ पोसनी नहीं पसनी, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ पसनी ले, वो खेत कमा रहा था, देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो पसनी वहीं खेत में छोड़ा और दौड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, और सलाम करने के बाद अपने हाथ को बढ़ाया मुसाफा के लिए, हाथ को बढ़ाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए, वो ये किसान जो था ना देहाती, हाथ आगे बढ़ाया फिर अपने हाथ को खींच लिया, बोला या रसूल अल्लाह हम हाथ आपसे नहीं मिला सकते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए क्यों नहीं मिला सकते, कहा या रसूल अल्लाह मेरे हाथों में मिट्टी लगी है, मेरा हाथ गंदा है, आपका हाथ गंदा हो जाए, कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने हाथों को इधर लाओ, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। वो किसान डरते हुए अपने हाथों को आगे किया, अल्लाह के रसूल ने उसके हाथों को चूम लिया, सुभान अल्लाह बोले तुम्हारा, उसके हाथों को मिट्टी लगी हुई हाथों को चूमा और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स सुनो, जो हलाल रोजी कमाने के लिए मेहनत करे उसके हाथों में मिट्टी लग जाए, बदन में मिट्टी लग जाए, जिस हिस्से में मिट्टी लग जाएगी दोजख की आग उसे नहीं जला सकती, दोजख की आग उसे नहीं जला सकती है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। मेरे बच्चों नमाज पढ़कर देखो, नमाजों की पाबंदी करके देखो, ये तुम्हारे चेहरे पे जो 12 बज रहे हैं ना, कसम खुदा कि अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, और तुम जहां भी खड़े रहोगे ना, कहीं भी खड़े रहोगे
कोई कहने वाला कह देगा कि ये कोई और नहीं, ये मुसलमान का बच्चा है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमर नमाज आछे। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमर नमाज आछे, काज के बोलो आमर नमाज आछे। अब जहन को हाजिर कीजिए, आप लोगों ने इरादा किया है सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जुमे की नमाज फ़र्ज है, उनके अलावा पांच वक्त की भी नमाज फ़र्ज है। क्या वक्त की नमाज फ़र्ज है? इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना नौजवानों, भूल भी है गलती भी है, अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा, तौबा का दरवाज़ा खुला है, माफ़ी मांग लो मेरे बच्चों। इरादा करोगे इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाए इंशाल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ। ए अल्लाह इन बच्चों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, ए अल्लाह इन्हें राजी करवाना मेरा काम था, अल्लाह इन्हें नमाजी बनाना तेरा काम है, ए अल्लाह इनकी जिलों को बदलना तेरा काम है, अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम। अब आइए मौजा सामने किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। इंशाल्लाह महल बनाएंगे, अरे बोले जोर से बोलो भाई महल बनाओगे? ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, ये कब सांस रुक जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। तो मुसलमानों, अल्लाह ने अगर खेत दिया है, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो क्यों नहीं दुनिया में रहकर जन्नत में महल बना लो, दुनिया में रह के क्या बना लो, अरे बोलो भाई दका बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लीजिए, क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत का महल बना लेते हैं। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या ठिकाना, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा याद करे या ना करे, मेरा बेटा याद करे या ना करे, मेरी बीवी हमें भूल जाए क्या क्या ठिकाना, मेरा भाई मुझे याद करे या ना करे, दोस्त मेरा याद करे। बाप का इंतकाल हो गया, रिश्तेदारों को फोन किया, रिश्तेदार आए नहला धोला के जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। अब दोनों बेटा रात में बैठा, बड़ा भाई बोला कि रे मुन्ना बाप मरे गई है, हिस्सा बखरा कर। क्या कर? अरे बोलो भाई। तो छोटा भाई बोला कि भैया आज तो बाप मरी है, कुछ ही दिन रुके जा। बोला मोर पास टाइम नीचे, बात चले गई है वो समझवे, हिस्सा कर। तो बड़ा गर्म होके बड़ा भाई बोल रहा था, तो उसके मामा फूफा वहीं थे, उन लोगों ने कहा कि अच्छा तुम्हारा झगड़ा नहीं कर, आज नहीं कल नहीं दी दिन बाद 10 दिन बाद तो हिस्सा बखरा करना ही छे, तो हमारा फैसला करो दही तुम्हारा के जे जी वो ने ले। तो दोनों भाई तैयार हो गए कि ठीक है आप लोग फैसला कर दीजिए। तो मामा बोला कि रे तोर बात 3 बीघा जमीन छोड़े मरइयो की करबो। छोटा को बोला की करवो, तो छोटा बोला कि भाया जानवे। तो भाया बोले ठीक छे 3 बीघा जमीन मी रखे लू। तब मामा बोला कि 2 गाय छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? छोटा से बोला, छोटा बोला भाया जानवे। तो भाया बोला ठीक है गायोला मी रखे लू। तब बाप बोला, मामा बोला कि रोटा तोर बापर एक का दुकान छोक की करबो। छोटा से पूछा, छोटा बोला भाया जानवे। भाया बोला कि ठीक है दुकानों में रखे लू। तब मामा बोला रे तोर बापर ऊपर नहीं 25,000 टका कर्जा छो की करबो। छोटका से बोला तो छोटका बोला कि भाया जानवे। तो भाया गरम हो गया कि सबला मैं ही जानू, ती कुछ नहीं जानबो। अरे जमीन हम जाने, दुकान हम जाने, गाय हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, बार कर जाती जन। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना।
कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, मिट्टी डालेगा फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा मजमा तैयार है। मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, इसके रावी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कुर्बान जाइए कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत मालिशान महल बनाएगा। मेरे भाई इस मजमे के अंदर में मुझे पाँच आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे पाँच आदमी चाहिए। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर अगर ये अमल करोगे तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों, ये अमल कर लोगे, आप अमल करके मर जाओगे, इंशाअल्लाह कयामत तक अल्लाह कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। फिर हशर के मैदान में अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देगा, कहेगा मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए महल बनाया है, ये चाबी ले, महल के अंदर में दाखिल हो जा, घर के अंदर में दाखिल हो जा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हालांकि मजमा कम है, मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है इंशाअल्लाह। देखिए मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता, मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता, मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। एक बात याद रखिएगा, सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनता। काफिर का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, मुशरिक का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, यहूदी का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, नसरानी का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? जो मुसलमान होगा उसका पैसा लगेगा, जिसका हलाल कमाई होगा उसका पैसा लगेगा, जिसको जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा वही पैसा मस्जिद में लगेगा। है कोई नौजवान सखी इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 टका देने वाला पहले फहरिस्त में, उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता इंशाल्लाह। है कोई सखी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह। देखिए हम 5,000 मांगे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15-20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए ये 5,000 ये छोटी सी रकम से मांगा है ताकि किसी के ऊपर बोझ ना हो, किसी को बोझ ना लगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी खलील साहब, हाजी साहब को इधर भेजिए, हमको तो पता नहीं ना हाजी साहब आए, इधर आइए, इधर इधर भाई भाई इधर, नहीं नहीं ये भाई यहाँ 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 ये ना भाई, माशा भाई रईस आजम, वो कहिए रईस रोटा, बहुत बड़े सखी अल्लाह ने ऐसा दिल दिया है इसको भाई कि अपने रोहटा के इलाका में जहाँ भी जलसा हो, हर जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हाजिरी होती है, और हाजिरी ही नहीं साथ ही साथ जहाँ तक हो सके बढ़ चढ़ कर ताउन भी करते हैं, और जलसे को कामयाब बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अल्लाह कहता भी है, अल्लाह दौलत ऐसे ही लोगों को देता भी है। अल्लाह कहता है मैंने दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे हाजी खलील साहब दामाद बरकात हूँ के तरफ से 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। जरा नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नहीं दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। जनाब हाजी खलील साहब दामाद बरकात हूँ, इन्होंने 5,000 रुपये दान किया है, अल्लाह इन दान तो कबूल को रहनो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई में बिजनेस में तिजारत में कारोबार में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। भाई पहले फहरिस्त में हमारे हाजी साहब का नाम आ गया, दूसरे नंबर पे कोई सखी है, 5,000 टका लिखे दो इंशाल्लाह, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, फोन पे है फोन पे कर दे, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, भाई
5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য দশটা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ কই সখি হ্যাঁ মেরে ভাই এক বাত ইয়াদ রাখিয়েগা, বখিল জন্নতোত নি যাবে, বখিল, আরে বলো ভাই বখিল জন্নতোত, আল্লাহ সৌদি বালে বহুত, আল্লাহ यही तो मैं देखना चाहता हूँ। आमबारी की सरजमीन है ये, मेरा पहला जलसा आमबारी के अंदर में है। अभी देखिए परसों मैं रांची में था, अब यकीन नहीं करेंगे, एक मस्जिद थी, एक भाई और आ रहा है माशाल्लाह, ए है 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 माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ए देखिए दूसरा भाई मेरा आ गया, ए माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई भाई हमारे हाजी खलील साहब ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं 5000 रुपये, माशाल्लाह माशाल्लाह, जुबैर साहब आमबारी, नारे तकबीर, ए माशाल्लाह, अल्लाह हमारे जुबैर भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बिजनेस में तिजारत में कारोबार में बरकत अता फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला था। परसों में रांची में था, रांची में दिल खैराबादी साहब भी थे, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी भी थे। अब यकीन करेंगे छोटी मस्जिद थी उसको तोड़ा गया, बड़ी मस्जिद बनाना था। कसम खुदा की मिंबरे रसूल पे खड़ा हूँ, 1 घंटा 40 मिनट बयान किया है, 1,13,86,782 रुपये चंदा हुआ, 1,13,86,800 कुछ रुपए चंदा हुए रांची के लोगों ने दिया। हम 50,000 से शुरू किए, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया। अल्लाह दे, अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो नौजवानों। बखील जन्नतोत नहीं जाबे, बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील कितना भेल, अरे बोलो भाई कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, कंजूस कहिए, मक्खी चूस कहिए, मक्खी चूस कंजूस जन्नत उतनी जाबे। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो बखील है जो कंजूस है वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, अगर वो कंजूस है जन्नत में नहीं जाएगा। मुसलमानों अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मेरे विशाल दो भाई मेरे हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था, तीसरे नंबर पर कोई सखी है इंशाल्लाह, 5000 टका दीते पारे इंशाल्लाह, आमी अपना जुन्ने दस्ते दुआ, आमी दस्ते दुआ करब अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है, नगद है नगद दे दीजिए, नगद इंशाल्लाह नाम लिखा दिए कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। है सऊदी अरबिया में रहने वाला कोई सखी, कोई नौजवान उसके गार्जियन क्या कहते हैं कि 5000 रुपये देना चाहता है इंशाल्लाह, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नारा लगा दो, एक नौजवान और तैयार हो गया है, दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर माशाल्लाह। इसराइल भाई दुबई वाला 13,000 रुपया, इसराइल भाई दुबई वाला 13,000, दुबई वाले, ए माशाल्लाह, ए माशाल्लाह, हम कहेंगे कि इसराइल भाई से के थोड़ा कुछ, हाँ हाँ, 13,700, तो सबके लिए, सबके लिए 10 दुआ किए हैं, इसराइल भाई के लिए 20 दुआ कर दे, 20 दुआ करो तुम इसराइल भाई इतने इंशाल्लाह, इसराइल भाई 20,000, माशाल्लाह भाई, दोनों हाथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए इसराइल भाई ने कहा 13,000, मैंने कहा गुजारिश किया, उन्होंने भी एक सऊदी वाले का 5,000 आ गया है, नसीब था, उनका बेटा सऊदी में रहता है, मैंने भेजा था, उसने 5,000 दे दिया है। माशाल्लाह क्या हाजी साहब, ये आपकी करामत है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरे भाई, हे अल्लाह हमारे भाई जनाब मोहम्मद इसराइल साहब ने 20,000 रुपये इस मस्जिद में दान किया है, अल्लाह इसराइल भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेत में कल्याण में बिजनेस में तिजारत में कारोबार में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इसराइल भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई एक आदमी कापी कापी कलम लेके बैठी है, हजरत लिखते जाइएगा जो लोग दे रहे हैं माशाल्लाह। नाम बोल दीजिए। हाँ माशाल्लाह, देखो बीबी आयशा बेगम, अपनी माँ के नाम, बीबी आयशा बेगम अपने माँ के नाम से जो इस दुनिया में
मस्जिद में जो जामा मस्जिद है अब्बा ने का, इसका साथ सवाब कयामत तक मिलता रहेगा उसकी माँ को। देखो कितनी बड़ी बात है, बेशक बहुत बड़ी बात है।